जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल में। ये जो हफ्ता है, ये आखिरी हफ्ता है जून महीने का, तो 24 से लेकर के 30 जून तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, क्या अप्रिय रहेंगी, कितनी प्रिय रहेंगी, ये सारी बातें जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। राशिफल तो आप रोज देखते हो, क्या किसी ने आपको कभी बताया कि राशि इतनी जरूरी क्यों होती है? देखो, राशि तब बनती है जब चंद्रमा किसी घर में या किसी राशि में बैठता है। जहां बैठता है जन्म कुंडली में, उसी को हम अपनी चंद्र राशि कहते हैं और वही हमारी सटीक राशि होती है। अब चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। हमारा मन जिस ओर लगेगा, हमारा मन जिस काम में लगेगा, वही हमारा तन भी जाएगा, वही से हमें धन भी आएगा, वही से हम अपने सारे कार्य जो है वो करेंगे। तो इसीलिए राशि बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मन को केंद्र में लेकर के ही देखी जाती है। और मन जहां, तो आपका पूरा जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगता है। तो इसीलिए राशि बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल देखना चाहिए, जो हम आपको अपने चैनल ग्रहों की बात पर बताते हैं। ये जो राशिफल है, ये ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, और साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी आभास शक्ति है, उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ। अब आप कहते हैं कि गुरुबा इस विषय में बताइए, उस विषय में बताइए, तो ये देखो मेरे हाथ में नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा आप जो भी मैसेज भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको पहुंचाइए। तो जो मुझे आता है सहज रूप से, सरलता से, वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। तो इसीलिए मैं उनसे जिद नहीं कर सकती कि आज प्रभु एजुकेशन का बताओ, आज प्यार का बताओ, जो वो दे रहे हैं, जो मैसेज है। लेकिन ये मुझे जरूर विश्वास है, इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, आपका जिस तरीके का बोलने का तरीका है, आपका जिस तरीके से चलने का तरीका है, तो वो लोग आपको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहां आपने सीक्रेसी मेंटेन करनी है, या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कोई कॉपी करे, तो उस पर आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो कॉपिंग इस समय में आपके साथ हो सकती है। और अगर लीडर है और लोग आपको इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। धन को लेकर के बात करें तो कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट का चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। मतलब कोई एफडी आपका समाप्त हो रहा है, या आपने कोई अपना लैंड बेचा है, या अपना कोई फ्लैट बेचा है, कोई मकान बेचा है, प्रॉपर्टी बेचा है, तो वहां से पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज है। अगर आपने किसी ट्रेडिंग वगैरह के उसमें है, तो आपने वहां से शेयर्स निकाल के किसी और जगह इन्वेस्ट किए हैं, या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि मतलब चेंज कुछ लेके आ रहे हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आप सीख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा चेंज तो इस हफ्ते में जरूर करेंगे। धन आपका सफिशियंट बना रहेगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस हफ्ते में आप पे बहुत हिम्मत होगी। अगर आप कुछ भी रिस्की ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा ये हफ्ता। इस समय में आपको लोग बहुत ज्यादा एक पेडेस्ट्रियल पे रखेंगे, बहुत ज्यादा लोग आपको बहुत ही हायर अथॉरिटी मानेंगे। अगर आप टीचर हैं, या आप प्रिंसिपल हैं, या आप डीन हैं, या आपका कोई हायर ऐसा पद है जहां बहुत सारे लोग आपको ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि वो आप पर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चीज में बढ़ोतरी होगी। और ज्यादा अगर कोई गुरु है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है उस तरह से है, तो वहाँ, या लीडर है, या पॉलिटिक्स में है, तो वहाँ लोग आपको लुक अप टू करेंगे। तो वहाँ कुछ अच्छा आपको करने की जरूरत है इस हफ्ते में, क्योंकि काफी सारे लोग आपसे कनेक्ट होने को तैयार हैं। इस समय में माइंड में थोड़ा सा शोर आपके रह सकता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, तो बहुत ज्यादा माइंड में आपके शोर हो सकता है, या लोगों की बातें चिट चैट जो है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मतलब सोचना पड़ सकता है कि आप ये करें या नहीं करें। तो थोड़ा सा आप अपने आप से बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने ही माइंड में, तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो फिर उसके बाद झटपट उस काम को कर दीजिए, क्योंकि ये चैटर तो पूरे हफ्ते नहीं बंद होने वाली है। लीगल किसी भी तरीके का मैटर है, या लीगल में एंटर होना चाह रहे थे, तो एकदम किस्मत आपकी पलटेगी, और आपको अगर
हेल्प नहीं मिल रही थी, तो कुछ लोगों का अच्छा नया लॉयर मिल सकता है, अच्छा लॉयर मिल सकता है, या आपके जज चेंज हो सकते हैं, या आप अब जाकर के अगर आप किसी और कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी अपना केस दाखिल करना चाहते हैं, तो मतलब कुछ है जो एकदम से चेंज होगा, लेकिन वो चेंज आपके लिए अच्छा है, या ऐसा कोई लॉ आ सकता है नया, या आपको पता चल सकता है ऐसे किसी लॉ के बारे में जो आप अपने केस में यूज कर सके। तो जिनका भी केस चल रहा है या आप जाना चाहते हैं केस में, तो वहां कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही होगा। हर गुरुवार को हमारे यहाँ सिद्ध दरबार लगाया जाता है जो कि बिल्कुल निशुल्क होता है और उसमें बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक और भक्त के साथ चमत्कार हुआ है, चलिए जानते हैं। जय सनीदेव, मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो देख के आई थी यूट्यूब पे और गुरु माँ बहुत अच्छी है, गुरु माँ ने मुझे सही कर दिया है। और मैं तो आप सबसे भी बोलती हूँ, आप सब भी आइए, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगता, ये दरबार बहुत अच्छा है, गुरु माँ भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज़ आप आके एक बार अपनी आप देखें। जॉब के लिए बात करें तो जॉब आपका अच्छा रहेगा, अगर टीम लीड है अपना, या आप मैनेजमेंट में है, या आपका किसी तरीके का चीजों को हैंडल करने का, या आपके नीचे कुछ लोग हैं बेसिकली, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो काफी एनर्जी आप में रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग विल रहेगा, तो आप सबसे बहुत अच्छे से काम करा पाएंगे, तो वो जॉब पर्पज से बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को नया कोई पोर्टफोलियो, नया कोई काम, या नया कोई ऐसा कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसको आप बखूबी निभाएंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर के कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिस्की मूव आप लेंगे इस हफ्ते बिजनेस में, और उसको लेकर के आप टेंशन में रहेंगे, बहुत आपको रातों में भी नींद नहीं आ रही, टेंशन हो रही, काफी रिस्की कोई काम करने आप जा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको पैसा देकर के जाएगा, तो टेंशन मत लो, पूरे मन से काम। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, खुशनुमा समय है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर कुछ लोग जो है ऑफिशियली अपनी रिलेशनशिप को आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो डेटिंग कर रहे हैं, बता सकते हैं कि वो रिलेशनशिप में हैं, किसी से मिलवा सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने घर उनको बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, मतलब कुछ है जहां आप अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे रहे हैं या उसको ऑफिशियल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो एक नेक्स्ट स्टेप पे आप बढ़ रहे हैं। हेल्थ की बात करें, अगर साइनस का प्रॉब्लम आपको है तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, सर का दर्द आपका आता जाता रहेगा इस हफ्ते में, और थोड़ा सा जैसे नोज अगर ब्लॉकेज वगैरह आपको है, या साइनस का प्रॉब्लम है, या जल्दी आपको कोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से सर में दर्द होना ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुरु माँ से मिलना चाहते हैं, लाखों लोग मिलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेटिंग तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जगह की सही व्यवस्था हो जाती है, या कोई प्रोग्राम बनता है आपके शहर आने का, आपको अपने चैनल के माध्यम से हम सूचित जरूर करेंगे और आपसे मुलाकात भी जरूर करेंगे। चिंता मत करो, गुरु माँ की उम्र अभी बहुत लंबी है, बहुत सारी कुंडलियां देखनी है, बहुत लोगों की सहायता करनी है, और पूरा जीवन हमारा उसी कार्य के लिए है। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ, ये जो जून का आखिरी हफ्ता है आपके लिए बहुत सुखद जाए, कोई दिक्कत ना हो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।